सीमा आपके बुरे दिन तो शुरू हो गए, ये याद रखना। आपने जो भी चमकाना था डिस्को डांस और जो 2 किलो मेकअप लगा के आप आते हो ना, आपको शर्म हया बाकी भी होती है। आपकी फैमिली, आपकी बहन, फुफ्फो, चाची, मासी देख के चंद दिनों में यही हैदर आपके सामने हिंदुस्तान में होगा। आपका कंधा नीचे होगा, हमारा फखर से ऊपर। अपनी बहन रीमा को भी आप पहचानने से इनकार कर रहे हो, क्यों? आखिर क्या है? एपी सिंह बच्चों के नाम पे डरा रहे हैं आपको। दोस्तों वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेकर। गुलाम हैदर अपने चैनल पर लाइव आए। दोस्तों लाइव आकर उन्होंने सीमा, सचिन, एपी सिंह, नेत्रपाल की बैंड बजा कर रख दी। तो उन्होंने भारत आने के लिए भी ऐलान कर दिया है कि वीजा अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्द जो है मैं हिंदुस्तान के अंदर अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने आ रहा हूँ और अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। मेरा सीना चौड़ा होगा और एपी सिंह की गर्दन जो है नीची होगी। इस तरह की बातें गुलाम हैदर ने दोस्तों इस वीडियो में की। काफी गुस्सा जाहिर किया। दोस्तों आप सब जानते हैं कि वो परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। उसके 4 बच्चे से जुदा हैं, तकरीबन 6 महीने से कोई बातचीत तक नहीं हुई। तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दुआ करें ताकि उसके बच्चे उसे जल्द से जल्द मिले, उसके लिए सपोर्ट करें। और हम भी भारत सरकार से अपील करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिए जाए। सीमा भगोड़ी को जेल में रखे या कहीं भी रखे उससे कोई मतलब नहीं, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए दोस्तों, इंसानियत के नाते। तो देखिए दोस्तों गुलाम हैदर ने इस वीडियो में क्या कहा। बच्चों को अगर वो हिंदुस्तान में रख के उनका लिखना पढ़ना उसका मुस्तकबिल कौन करेगा? अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को कुछ हुआ, ना एपी सिंह, सजन, नेत्रपाल, इनका बाप दादा परदादा भी, एक बच्चों का अगर बाल भी इधर हुआ ना, ये याद रखना। आप अभी तो खा रहे हो कमाई जो यूट्यूब से आप लोगों को दे रहे हैं, तो इनका एक बाल भी बेका हुआ ना, आप लोगों का 7 खानदान, 7 नस्लों का खानदान भी भर नहीं सकेगा, ये याद रखना। हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, छोटे बच्चे मासूम 10 साल के कम एज में तुमको जो आए दिल में बोलेगा घटिया, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम बोल देते हैं बिना खौफ। लावारिस बच्चे नहीं हैं, इनका बाप जिंदा है। मगर तो देखो दुनिया में औरत एक गलत हो सकता है, इनका माँ गलत था तो शायद मैं चुप करके जाऊँ, बैठ जाऊँ, सब्र करूँ, बस मैं बैठ के तमाशा देखूं, क्यों भाई? आपकी बहन आपके घर से पता चले ना 4 बच्चों को लेकर जाए, तब ये हमारा सवाल होगा एपी सिंह से। अल्लाह करेगा वो दिन दूर नहीं है, इनके साथ ऐसा बुरा होने वाला है ना कि शायद दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा कभी भी, कभी भी। एक बाप का बद्दुआ, एक माँ जो रो रो कर आंखें सफ़ेद हो चुकी है, इनकी बद्दुआ ये बहुत बड़ी आह है। एपी सिंह को लगेगा जिंदा कीड़े पड़ेंगे तब पता चलेगा। एक दीवाना जो मस्ताना आपने यूट्यूब पर, कब तक चमकाओगे, क्या खाओगे लानतीर, कब तक? ये दुनिया पैसा आने जाने चीज है, आज है कल नहीं है। हर मजहब में मरना है, हर धर्म में मरना है। एक दिन ना एक दिन तो आप जाओगे, ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ हमने कौन से अच्छे नेक नामा काम करके आए हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है? माँ नहीं होगा, बेटी नहीं होगा, क्यों? मेरा सवाल उन बहनों से भी है, एक गलत हो सकता है घर का अपराध, तो दूसरा तो है ना, उनको समझा सकते हैं भाई ये गलत है, हैदर के बच्चे हैं, मुस्तकबिल आवाज उठाता है, आप कहाँ हो? इस टाइम तक लोग जो गूंगे बहन, जो अच्छे इंसान हैं उनका उन पे ऊपर मेरा सवाल है, जो बेगरत हैं उनको बोलो या ना बोलो कुछ फर्क हो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर बायशऊर गैरतमंद एडवोकेट हो, जज साहब हो, वकील हो, हर बायशऊर लोगों को मेरा सवाल है, 4 बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल, आपकी ज़िंदगी उनके बचाने आप लोगों का फ़र्ज है। छोटे बच्चे हैं 10 साल से कम एज में हैं, उनको क्या पता कुछ? ये हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, ये हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, उन बच्चों को क्या पता? कोई पता नहीं है। उनकी ज़िंदगी, उनकी मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। हर बायशऊर गैरतमंद बहन भाई बेटी जो भी है, जहाँ से भी देख रहे पूरी दुनिया में, हर फलाही अदारे को मेरा सवाल है, हर अच्छे इंसान को, देखो सबको मरना है, सबको मरना है। इस टाइम मैं हैदर अकेला हूँ, तो आप ये ना सोचे, आप बहन भाइयों का मुझे सख्त ज़रूरत है, आप हमारा सपोर्ट करो, साथ दो, ताकि मेरे बच्चे वापस आए, मैं अपनी गोद में बिठा कर आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, तो आप लोगों को कितना खुशी होगा कि हाँ हमारे कहने पे, हमारी बात पे एक बाप को बच्चे मिल जाए, तो कितनी खुशी के सवाल है। क्यों क्यों खामोश हैं लोग, अफसोस होता है, यकीन माने
परेशान भी होता हूँ कभी, हद से ज्यादा। सीमा आपके बुरे दिन तो शुरू हो गए, ये याद रखना। आपने जो भी चमकाना था डिस्को डांस और जो 2 किलो मेकअप लगा के आप आते हो ना, आपको शर्म हया बाकी भी होती है, आपकी पूरी दुनिया, आपकी फैमिली, आपकी बहन, पप्पो, चाची, मासी देख के वो बहुत परेशान होते हैं। देखते ये कितना घटिया है, हमें नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहे सीमा? आपको कोई जबरन रखा हुआ है, जबरन रखा हुआ है। अपनी बहन रीमा को भी आप पहचानने से इनकार कर रहे हो, क्यों? आखिर क्या है? एपी सिंह बच्चों के नाम पे डरा रहे हैं आपको, उनका बाप भी आपको डरा नहीं सकता कभी भी। ये सिर्फ आपको ये उतली पुतली कर सकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे भाई बहन है, एक फोन पे आपका उधर इस्तकबाल होगा, बच्चों को लेके जाएंगे। आप बताए तो सही, कुछ खुलकर बताओ, मेरे से नहीं, अपने बहनों से बात करो, भाई से करो, अपने रिश्तेदारों से करो। हर नंबर आपको याद है, फिर भी पता नहीं आपको क्यों चुप करवाया जा रहा है। एपी सिंह पता नहीं कौन सी वो आपको पट्टियां पढ़ा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जाओगे, कि आपका बदला सीमा ने खुद बहुत सारे सवालों में किया कि मेरा बदला मेरे बच्चों से लिया जाएगा। नहीं, इतना पागल नहीं है हम, छोटे बच्चे पाकिस्तानी हैं, हैदर का हैं, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, छोटे हैं, 10 साल के कम एज में, उनसे क्या क्या लिया जाएगा, तुम्हारा सिला लिया जाएगा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत हो, ये तो पूरी दुनिया को पता है आपने गलती किया। मगर अपने बच्चों का सजा, अपनी सजा अपने बच्चों को नहीं दो। अब भी मैं आपको कह रहा हूँ, अपने अभी भी आपके पास वक्त है, वो दिन है, अब भी समझ जाओ, अब भी आपके ऊपर वक्त है, समझ जाओ। बार बार मैं आता हूँ लाइव में, आपको कहता हूँ, अब भी आपके पास वक्त है, समझ जाओ। बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तानी हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ, आप कहते हो कि मेरा सिला मेरे बच्चों से लिया जाएगा, कभी भी नहीं, क्यों? आपका सिला ऊपर वाला है, गवर्नमेंट है, भारत गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो भी जो इस्लाम के अंदर जो भी होगा, तो आपने खुद मान रहे हो ना इनका, तो आप कह रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका सज़ा आपको आना ही आना है, बिल्कुल भी है ना, आपको इसकी सज़ा आज नहीं तो कल होनी है, आपको पता है। तो 7 साल आपकी सज़ा इंडिया के अंदर भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, ये तो आपने मान लिया ना। मगर बच्चे पाकिस्तानी हैं, छोटे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, आपने इलीगल तरीके से उनको लेके गया, इनका सज़ा तुम ही से लिया जाएगा कि तुमने गलत किया। बच्चों का क्या कसूर है, छोटे बच्चे हैं, उनका सलाह तुमसे नहीं लिया, बच्चों से नहीं लिया जाएगा सीमा, तेरे से। अदालतें हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, कानून सबके लिए बराबर है। एपी सिंह सिर्फ पट्टियां पढ़ाता है कि मैं बड़े केस लड़ता हूँ। कौन सी आपने जहाद किया, कौन सी केस लड़े हैं? एक बाप से बच्चे थोड़ा सा अलग करके सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं आप उनको एक पढ़ाते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप हमारे साथ भी बैठ नहीं सकते एपी सिंह, आप इतना घटिया हो, यकीन मानो। आप अपने को कहते हो कि मैं जो है ना एडुकेट हूँ, हम आपको लानत भी नहीं भेजते। लानत उसको भेजो जो अगला समझदार हो, समझ जाए, आप तो उसके काबिल भी नहीं हो। आज फिर देखना आपके बगल में किसी को बिठा के वीडियो बनाता है, अगर अपने हिसाब से आओ तो आपको थूकने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ 4 फूल बच्चे पाकिस्तानी हैं, उनके सदके आपको देखा जाता है और लानत तान हो रहा है। आप तो लानतों का हकदार हो, सुबह शाम आपके ऊपर लानतें बरसती हैं, सुबह शाम उठते पहले आपके मुंह पे थूक लगाया जाता है, हर जगह से, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे वीज़ा मिलेगा, मैंने अप्लाई भी किया है। ये कहता है कि एक बंदा 6 माह से कह रहा आऊँगा, भाई मैं ऐसे तोड़कर तो नहीं आऊँगा, मैं एक लीगल तरीके से आऊँगा, अदालतों के पास आऊँगा। एपी सिंह बेफिक्र हो जाओ, मैं लगा पड़ा हूँ, आज भी मिले वीज़ा, मेरी बात भी हुई अच्छे लोगों से, मैं आ रहा हूँ, आप बेफिक्र होना कि ज़रूर चंद दिनों में यही हैदर आपके सामने हिंदुस्तान में होगा, आपका कंधा नीचे होगा, हमारा फ़खर से ऊपर, बच्चों के लेने के लिए आ रहे हैं। आप ये सीमा को दलबे नहीं देना कि हैदर नहीं आएगा, हैदर आएगा, बहुत जल्द आएगा, थोड़ी दिन बाकी बचे हैं, जैसे वीज़ा अप्लाई होगा इंडिया के अंदर, हम लीगल आना चाह रहे हैं, आपकी तरह नहीं, हम क्रिमिनल नहीं हैं। गवर्नमेंट जब इजाज़त देगा चंद दिनों में हमें इंडिया में पाया जाएगा, अपनी बहन भाई तमाम लोगों का साथ हम आएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे कहीं काम पे भी